नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। पंडित नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली है। ऐसे में मोदी सरकार के नए कैबिनेट की बैठक सोमवार की शाम हुई। इस बैठक में कुल 72 मंत्रियों को उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। बता दें कि कुछ पुराने चेहरों को कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया है, जबकि कुछ चेहरों को स्वतंत्र प्रभार का भी पद मिला है। इन मंत्रियों में भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। अब आपको बता दें कि किस मंत्री को कौन सा पदभार मिला है और उन्हें कौन सा मंत्रालय मिला है, इसके बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के अलावा क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हैं। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह एवं सहकारिता मंत्री, नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री, एच डी कुमार स्वामी भारी उद्योग और स्टील मंत्री, पीयूष गोयल कॉमर्स एवं इंडस्ट्री मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जीतन राम मांझी एमएसएमई मंत्री, राजीव रंजन लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह जहाजरानी और जलमांग मंत्री, वीरेंद्र खटिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्री, प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री, जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री, गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री, अश्विनी वैष्णव को रेल सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री का पदभार मिला है। वहीं भूपेंद्र यादव को पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चर और टूरिज्म मंत्रालय, अनुपूर्णा देवी यादव को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो कि पिछली बार स्मृति ईरानी के पास था, वहीं किरण रिजिजू को संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्री, मनसुख मंडाविया को श्रम और रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्रालय, जी किशन रेड्डी को कोयला और खान मंत्री, चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मंत्री, सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्री, राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार मिला है। वहीं अगर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो उन्हें कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। प्रताप राव यादव की बात करें तो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। जयंत चौधरी की बात करें तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय उनके हिस्से में गया है, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का भी पद जयंत चौधरी को मिला है। जितिन प्रसाद की बात करें तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। श्रीपद नाइक को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी की बात करें तो उन्हें वित्त मंत्रालय राज्य मंत्री का पद मिला है। कृष्ण पाल गुर्जर की बात करें तो उन्हें राज्य मंत्री में सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं रामदास अठावले की बात करें तो उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। पी चंद्रशेखर पेम्मा सानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं एसपी सिंह बघेल की बात करें तो उन्हें मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद मिला है। शोभा कंदार करंद
लाजे को एमएसएमई राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं वीएल मर्मा की बात करें तो उन्हें उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। शांतनु ठाकुर की बात करें तो उन्हें शिपिंग राज्य मंत्री, सुरेश गोपी को टूरिज्म कल्चर राज्य मंत्री, एल मुर्गन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। अजय टमटा की बात करें तो उन्हें परिवहन राज्य मंत्रालय का पद मिला है। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, भागीरथ चौधरी को कृषि और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं संजय सेठ की बात करें तो उन्हें रक्षा राज्य मंत्री का पद मिला है। रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें तो उन्हें अल्पसंख्यक राज्य मंत्री का पद मिला है। दुर्गा उखड़े जनजातीय कार्यालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। रक्षा खड़से को युवा मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। सुकांता मजुमदार को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं सावित्री ठाकुर को महिला एवं विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। तोखन साहू को शहरी विकास राज्य मंत्री का पद मिला है। डॉक्टर रामभूषण चौधरी की बात करें तो उन्हें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। हर्ष मल्होत्रा की बात करें तो उन्हें कॉरपोरेट मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। नीमू बेन बंभानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्यालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं पवित्र मार्गरेटा को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद मिला है। मंत्री पद मिलने के बाद मंगलवार की सुबह से ही विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। मोदी की तीसरी कैबिनेट काफ़ी मजबूत दिख रही है और तीनों कार्यकाल में मोदी की यह सबसे बड़ी कैबिनेट है। इससे पहले 2019 में मोदी कैबिनेट में 58 मंत्रियों को शामिल किया गया था। इस बार इस आंकड़े को बढ़ाकर 72 कर दिया गया है। बता दें कि पीएम मोदी ने कैबिनेट के मंत्रियों को पहले ही हिदायत दी है कि अपना चेहरा मेरे पास दिखाने मत आइएगा, काम कीजिएगा। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 100 दिनों की कार्य योजना पहले से ही तैयार कर चुके हैं। उदय इंडिया के लिए सात्विक उपाध्याय की रिपोर्ट।